कक्षा 9th के सारे बच्चों का संतोष दंगे चैनल पर स्वागत है, अभिनंदन है। बच्चों आप लोगों का 21 तारीख यानी कि 21 मार्च 2022 को आप लोगों का इंग्लिश का पेपर है। तो आज मैं आपको इस वीडियो में एक ऐसा गुरु मंत्र देने जा रहा हूँ कि जिसके माध्यम से आप उस अंग्रेजी के पेपर में आप बिल्कुल भी हेजिटेशन नहीं होगी। और यदि जहाँ जो बोर्ड पर मैंने कुछ टॉपिक्स आपके लिए सारे तैयार कर रखे हैं, यानी कि 80 नंबर का आपका पूरा 100% सिलेबस है, ये इन सिलेबस को आपको कैसे कवर करना है और कौन से प्रश्न को किस प्रकार से सोल्व करना है, ये सारा आज आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा। ठीक है, तो चलो हम जानते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पर देखो मैंने लिख रखा है एमपी बोर्ड 2022, ओके, और कक्षा 9th अंग्रेजी, और आप लोगों का जो 80 नंबर का पेपर आ रहा है, और ये आपका जो पेपर है बच्चों, ये आप लोगों का 21 मार्च 2022 को आपका पेपर होने जा रहा है। तो यहाँ पर सारा मैंने नंबरों का भी एनालिसिस कर रखा है, और जितने भी सारे जो टॉपिक्स है, सारे आपके 11 टॉपिक्स है, सारे 11 टॉपिक्स मैंने यहाँ पर लिख रखे हैं। ठीक है, तो चलो जानते हैं हम आपको कि किस प्रकार के प्रश्न हमारे एग्जाम में आ रहे हैं। सबसे पहले आपको जो प्रश्न नंबर फर्स्ट जो आ रहा है वो अनसीन पैसेज का प्रश्न आ रहा है। तो अनसीन पैसेज आपको दो प्रश्न मिलेंगे अनसीन पैसेज के, यानी कि 5-5 नंबर के दो प्रश्न रहेंगे, 10 नंबर के अनसीन पैसेज रहेंगे। अब अनसीन पैसेज आपको सोल्व कैसे करना है ये समझना। देखो अनसीन पैसेज के जो क्वेश्चन है वो 2 या 3 बार आप अच्छे से पढ़ लेना और समझ लेना, ओके। फिर उस अनसीन पैसेज में से मैक्सिमम क्वेश्चन देखो या तो वाट से शुरू होंगे, या फिर वेयर से शुरू होंगे, या फिर हू से शुरू होंगे, ठीक है, ये जो, या फिर वेंचर्स वो होंगे, है ना, इस इन चारों से क्वेश्चंस स्टार्टिंग होते हैं। तो इसको समझ लेना, कॉपी निकाल लो फटाफट और नोट कर लो कि उसको कैसे बनाना और कैसे अपने को प्रश्न की थीम को समझना है। यहाँ पर यदि आपको उसमें वाट मिलता है, मतलब वो पूछ रहा है कि इसमें क्या बताना है, यदि उसमें वेयर आता है तो मतलब अपने को स्थान के बारे में बताना है, यानी कि कहाँ होगा, और यदि उसमें हू आया मतलब कि कौन पूछ रहा है वो, और यदि उसमें वेन आता है मतलब कि वो टाइम की बात कर रहे हैं कि कब होगा। ठीक है, इसको नोट कर लो और इसको समझने के बाद में ही आपको इस पैसेज के आंसर देना है। आप 1-2-3 बार जैसे पैसेज पढ़ेंगे डेफिनेटली आपसे सारे नंबर बन जाएंगे। दो पैसेज आ रहे 10 नंबर के। दूसरा प्रश्न देख लो नोट्स और टाइटल का। ठीक है, तो टाइटल आपको उस पैसेज से रिलेटेड ही टाइटल देना है, लगभग लगभग 2 या 5 वर्ड में टाइटल देना है, और इसके अलावा नोट्स पॉइंट में बनाना है, जो कि मैंने ऑलरेडी इसका एक वीडियो बना चुका हूं मैं, आप है ना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक दे दूंगा, वहां से देख लेना, नोट्स आप आराम से बना देंगे, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 आ रहा है बच्चों आपको, ठीक है, यानी कि एप्लीकेशन का। तो एप्लीकेशन का जो प्रश्न आ रहा है वो भी 4 नंबर का एक प्रश्न आ रहा है। तो उसमें मैंने देखो SLC कैरेक्टर सर्टिफिकेट, बुक बैंक, लीव, सिक लीव, ये एप्लीकेशन मैंने टॉप मोस्ट एप्लीकेशन आपके लिए निकाली है। ठीक है, तो इन एप्लीकेशन को आप अच्छे से रीड कर लेना, समझ लेना, ताकि आप ये वाला प्रश्न आराम से बना देंगे। ठीक है, और इसके लिए आप एप्लीकेशन के प्रश्न में यदि आपको दिक्कत आती है तो ऑलरेडी मैं इसका एक वीडियो बना चुका हूँ, वहां जाकर जाना और उसको वीडियो को देख लेना। मैंने उसको सिस्टमेटिक एक सारे उसमें एक ही वीडियो में आप सारी एप्लीकेशन कवर कर लोगे। मैंने एक ऐसा वीडियो बनाया है जिसमें 6 एप्लीकेशन आप एक ही साथ तैयार कर सकते हैं, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 आपको ऐसे यानी कि निबंध का प्रश्न आ रहा है। तो इस निबंध के प्रश्न में आप देखो वंडर ऑफ साइंस के निबंध आप तैयार कर लीजिए, जितना हो रहा है आपसे उतना तैयार कर लीजिए, उसको जो आउटलाइन से लिख देना, और ये जो प्रश्न है ये प्रश्न आपको 5 नंबर का आ रहा है, ठीक है, जो कि आप इसको भी आप अच्छे से समझ लेना। फिर उसके बाद में किसको एक पिक्चर दे रखी है, उस पिक्चर को आपने को लगभग लगभग 50 वर्ड्स में बनाना है, जो कि 3 नंबर का प्रश्न आ रहा है ये एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 यानी कि फिल इन द ब्लैंक्स। तो फिल इन द ब्लैंक्स और जो डूज डायरेक्टेड के जो दोनों प्रश्न है इनको आप मेरे ऊपर छोड़ दीजिए, इसका मैं अगला जो पार्ट है आप लोगों को दूंगा उसमें मोस्ट टॉप 5 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन 5 तो फिल इन द ब्लैंक्स के और 5 आपको डूज डायरेक्टेड के सेंटेंस दूंगा मैं इसका, जैसे ही मैं नेक्स्ट पार्ट दूंगा तो उसमें आप ये सारे के सारे आराम से प्रश्न को बना देंगे, आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी। दोनों 5-5 नंबर के, 10 नंबर आप यहाँ से आराम से प्राप्त कर लेंगे। फिर नेक्स्ट नंबर 9 में ऑब्जेक्टिव प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो उन ऑब्जेक्टिव प्रश्न की भी मैंने एक ऑलरेडी एक पीडीएफ बना रखी है, तो पीडीएफ में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका पीडीएफ डाल दूंगा, वहां जाकर ये ऑब्जेक्टिव प्रश्न आप समझ लेना, आराम से बन जाएगा 6 नंबर के आपके सारे ऑब्जेक्टिव। नेक्स्ट नंबर अनसीन पैसेज यानी कि प्रश्न क्रमांक 3 आ रहा है आपको अनसीन पैसेज का, जिसमें पैसेज रहेगा और पोयम रहेगी, है ना।
आप जो इम्पोर्टेंट जो पोयम है उन पोयम को राइटर याद कर लीजिए, है ना। डेफिनेटली आप इस प्रश्न को आराम से बना देंगे। तीन नंबर का तो पैसेज आएगा जो कि लेसन से पार्ट से रहेगा, और तीन नंबर की पोयम रहेगी, दो प्रश्न रहेंगे छह नंबर के। अगला आपका जो मेन टारगेट है वो बच्चों आप लोगों का होना चाहिए क्वेश्चन आंसर पर मेन टारगेट, क्योंकि ये जो क्वेश्चन आंसर है आपको 32 नंबर के क्वेश्चन आंसर आ रहे हैं। कितने नंबर के? 32 नंबर के क्वेश्चन आंसर आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो ये 32 नंबर में से मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, यानी कि मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन का मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूं, और मैंने सिर्फ एक एक ही लाइन में उनके आंसर सारे निकाले हैं। उसकी भी मैं लिंक आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, वहां जाकर इन क्वेश्चनों को एक बार रिविजन कर लेना, आराम से आप इस प्रश्नों को आराम से बना देंगे, ठीक है। तो आप ये जितने भी सारे सिलेबस के अकॉर्डिंग ही इस एग्जाम की तैयारी करें, और इस एग्जाम को फाइट करने के लिए आपका जो मेन टारगेट है लक्ष्य होना चाहिए 75+, है ना। इस 80 में से आपका 75+ नंबर आराम से, भी आप मेरे द्वारा जो गाइडलाइन दी गई है इस पर यदि काम करते हैं तो आप आराम से इसमें 75 नंबर प्लस मारेंगे, ठीक है। और इसके बावजूद भी यदि आपको समस्या आती है, दिक्कत आती है, तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, डेफिनेटली हम उसके ऊपर काम करेंगे, क्योंकि हमारा उद्देश्य है आपकी सफलता। हम आपको सारे के सारे बच्चों को इस 9th क्लास से 10th क्लास में देखना चाहते हैं, ठीक है। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, दोस्तों मित्रों में शेयर करें, ताकि एमपी बोर्ड में जितने भी सारे बच्चे पढ़ रहे हैं सारे बच्चों का इसका लाभ मिल सके, ठीक है। मिलते हैं नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, थैंक यू सो मच।